ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए देश की शक्ति नारी शक्ति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं महिला मुद्दों पर विशेषज्ञ प्रोफेसर सुशीला रामास्वामी और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। बेटियां उम्मीद, उत्साह और नई इबारत लिखने का दूसरा नाम है। अतीत से लेकर आधुनिक दौर पर नजर डालें तो देश की प्रगति और तरक्की में महिलाओं का योगदान बेहद सराहनीय रहा है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे नारी शक्ति और भारत में महिला सशक्तिकरण पर। इसके लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर सुशीला रामास्वामी। सुशीला जी, सबसे पहले आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा सरकार ने देश में महिलाओं को अवसर प्रदान करने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। उनमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, सुकन्या समृद्धि योजना है और भी बहुत सारी योजना है। धरातल पर आप क्या स्थिति देखती हैं? 21वीं सदी के भारत में महिलाओं की क्या स्थिति है? देखिए, भारतीय महिलाओं ने काफी तरक्की तो कर रखी है, ये आज के दौर पे ही नहीं है। 1960 में एक किताब निकली थी गुनर मिडल का, एशियन ड्रामा करके। वहाँ पे वो जितने भी साउथ एशिया के जितने भी देश हैं उनके बारे में वो विस्तार रूप से जिक्र करते हैं, और वहाँ पे जब भारत की बात होती है बहुत कुछ भारत के बारे में कहते हैं, पर एक चीज बहुत अहमियत रखती है हमारे लिए कि उसी टाइम पे उन्होंने ये भी मेंशन कर रखा था किताब में कि भारत में महिलाओं की जो स्थिति है ये दक्षिण पूरा एशिया में बहुत अच्छा था। अगर आप डिसीजन मेकिंग में देखेंगे या जो कहते हैं ना समाज में जो इम्पोर्टेंट पोजीशंस है, और खासकर पार्लियामेंट में, तब स्थिति बहुत अच्छी रही। विश्व भर में इतना अच्छा स्थिति नहीं था जो भारत में था। फिर 1974 में एक विस्तार रूप से एक रिपोर्ट निकली थी टूवर्ड्स इक्वालिटी, जहाँ पे पूरा ध्यान दिया गया था कि महिलाओं के लिए क्या क्या परेशानियां हैं, किसके कारण महिलाओं जो है पिछड़े वर्ग में माने जाते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। तो लगातार जो है प्रयत्न रहा है, और ये सरकार जो है बहुत कुछ पिछले 7 सालों में महिलाओं के लिए किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, इन तीनों पे सरकार ने बहुत ध्यान दे के बहुत सारी योजनाएं बनाया है। ईंट बालू के मकान को घर बनाकर खुशहाली लाने वाली महिलाओं ने समाज और देश के विकास में अपने अनुपम योगदान से सार्थक उदाहरण पेश किया है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ समय पहले तक जैसे हरियाणा जैसे राज्य थे या फिर कुछ राज्य और थे जहां लैंगिक समानता के आधार पर बहुत बड़ा गैप देखने को मिलता था, वहां बेटियों के जन्म को बहुत नकारात्मक तरीके से लिया जाता था, वहाँ की सोच पिछले कुछ वर्षों में बदली है और इसके पीछे का क्या कारण मानती हैं आप? देखिए, एक तो सरकार ने बहुत ध्यान दे के इस पे प्रयत्न करा कि लोगों को ये शिक्षित करना कि घर में अगर एक बेटी जन्म लेती है तो उसको अभिशाप के रूप में ना देखे, ये देखा जाए कि वो भी एक इंसान है, उसकी जो शिक्षा के लिए। और एक और जो प्रयत्न किया कि जैसे बेटी 18 साल की होती है उसकी शादी के लिए खर्चा जो है सरकार ने योजनाएं वगैरह बनाया है, तो इन चीजों पे इससे काफी फर्क पड़ा है। और सबसे जो महत्वपूर्ण है कि जो सेक्स आइडेंटिफिकेशन जो टेस्ट होते हैं उसको इलीगल माना जाता है, ये भी बहुत जरूरी है। तो एक तो है कि आप लिंग जांचना पूरी तरह बंद करना, उसका प्रयत्न हुआ है, दूसरी तरफ शिक्षा के तौर पे, और तीसरा जो है एक पॉजिटिव सोच कि लड़की घर में जन्म लेती है तो उसके लिए क्या क्या हम कर सकते हैं और किस तरह परिवार और समाज दोनों का फायदा रहे। जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक कई अवसरों पर देश की महिलाओं ने तिरंगे का मान बढ़ाया है, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे सौंदर्य प्रतियोगिताएं हो। लेकिन सुशीला जी, भारत गाँव का देश है और गाँव में आज भी महिलाओं का एक बड़ा तबका है जो कई चुनौतियों का सामना कर रही हैं। वहां की महिलाएं, उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वैसे तो कई काम किए जा रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि किस स्तर पर उनको और आगे आकर अपने कदम बढ़ाने होंगे? ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं हैं, खासकर ये देखा जाता है वो ज्यादातर अपने परिवार संभालती है और अपने जो पति के साथ का जो काम में देखभाल उस पे भी उनका एक सहयोग रहता है। तो ये नहीं कह सकते कि गांव की जो महिला है वो पूरी तरह सिर्फ परिवार के साथ ही जुड़ी रहती है। खासकर ये पिछले 2-3 सालों में ये जो महामारी चली है
उसमें ये देखा गया है कि महिलाएं जो है सिर्फ गांव में नहीं पर शहर में भी महिलाओं का जो पूरा जो भार है वो काफी हद तक बहुत ज्यादा हो चुका है। इस साल जो यूनाइटेड नेशंस का जो पूरा ध्यान है उसका ये मोटो दिया गया है कि महिलाओं की सशक्तिकरण से आगे का जो समाज है विश्व भर में किस तरह हम एक बेहतर समाज बना सकते हैं, और उसमें क्लाइमेट चेंज के साथ एक मसला भी जुड़ा गया है। कहने का मतलब है कि अगर आप पूरा समाज में परिवर्तन चाहते हैं तो महिलाओं की जो भागीदारी है वो समझना चाहिए और उसको मजबूत करना चाहिए। और खासकर एक और चीज हमें ध्यान देना चाहिए कि पुरुष जो है वो भी अपना जो एक रोल है उसको निभाना बहुत जरूरी है, क्योंकि समाज और परिवार पुरुष और महिला के साथ ही बनता है। ये नहीं मानना चाहिए कि सिर्फ महिलाएं महत्वपूर्ण कदम करती रखती हैं या उनकी देखभाल जरूरी है, पुरुष का भी अपना अहम रोल है। तो इससे जो है परिवार और समाज और पूरा विश्व में जो एक बदलाव लोग चाहते हैं वो आसानी से और बड़े शांतिपूर्वक आ सकता है। सुशीला जी, अगर आपकी बात को ही आगे बढ़ाएं तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हो या किसी भी अवसर पर जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो कामकाजी महिलाओं का जिक्र होता है। उन महिलाओं के बारे में हम बात करते हैं जिन्होंने देश के लिए उपलब्धियां हासिल की हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में परचम लहराया है। लेकिन जो होम मेकर हैं, जो करोड़ों होम मेकर हैं, जो घर की बुनियाद होती हैं, जिनके सकारात्मक माहौल के दम पर ही पुरुष कई कीर्तिमान स्थापित करते हैं, आपको नहीं लगता कि उनको कहीं ना कहीं कम क्रेडिट मिल रहा है? इस तरह का वातावरण बनाने की जरूरत है जहां उनको भी सम्मानित महसूस कराया जाए। देखिए, आप जो कह रहे हो वो सही है, पर अगर आप देखेंगे नारीवाद का इतिहास जब शुरू हुआ था सबसे पहला जो फोकस रहा था कि परिवार के भीतर रहते हुए जो नारी है उसका हम किस तरह एक डिग्निटी, उसकी स्वाधीनता वो हम कैसे कायम रख सकते हैं। उसके साथ शिक्षा भी जुड़ा गया था, उसके साथ एम्प्लॉयमेंट भी जुड़ी गई थी। तो ये पिछले 300 साल में ये सारा फोकस रहा है। अब जब काफी महिलाएं करियर वुमेन होते हैं जो ऐसे आपने कहा, तो हमें ये लगता है कि जो घर में रह के जो सिर्फ घर परिवार संभालती है उनकी अहम भूमिका नहीं है। देखिए, आज के दौर पे जो एक आइडिया जो काफी प्रभावित है वो है कि महिला जो है पुरुष के साथ कदम कदम पे हर चीज पे योगदान रहे। तो इसलिए आपको लगता होगा कि महिलाएं जो घर में रह रही है उनके बारे में लोग सोचते नहीं है। इसका ये कारण है क्योंकि वहां पे काफी महिला परसेंटेज आप देखेंगे, खासकर ग्रामीण इलाके में ऐसा लगता है कि महिला जो है सिर्फ परिवार और अपना घर संभालती है, पर वहाँ पे भी देखा जाए ये सही नहीं है, क्योंकि महिलाएं जो है अपने पति के साथ काफी योगदान देती है। खेतीबाड़ी हो या कोई भी छोटा मोटा काम जो घर में हो सकता है वो सारा काम करती है। हमें जो है ये ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह का जो कैटेगराइजेशन है कि एक होम मेकर है या करियर वुमेन, ये हम ये गैप करना नहीं चाहिए। देखिए, जो करियर वुमेन भी है वो भी अपना घर संभालती है, और पिछले 2 साल में ये देखा गया कि ये जो महामारी के दौर पे महिलाओं के ऊपर कितना कुछ निर्भर है। अपने जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी भी देखभाल, और खासकर बच्चों को तो संभालना, क्योंकि स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद पड़ा हुआ था। तो ये हमें ध्यान देना चाहिए कि महिलाओं की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है हमें उसको रिकॉर्ड करनी चाहिए, और होम मेकर जो है उसका अपना जो अहमियत है उसको भी हमें उसकी भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी महिलाओं का ये सुनहरा सफर जारी रहेगा और महिलाएं यूं ही सफलता की परचम लहराती रहेंगी। सुशीला जी, विशेष बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे देश की शक्ति नारी शक्ति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे महिला मुद्दों पर विशेषज्ञ प्रोफेसर सुशीला रामास्वामी और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।